बात गुजरात की, क्योंकि देखिए गुजरात कांग्रेस नए विवाद में घिरी गई है। कार्यकारी अध्यक्ष कादिर पीरजादा ने बयान दिया है कि कांग्रेस हार्दिक जैसे पाटीदारों के पीछे क्यों पड़ी रही। कांग्रेस ने पाटीदारों को भूल जाएं, मुसलमानों की मदद से पार्टी 120 सीट हासिल कर सकती है, जीत सकती है। कादिर पीरजादा ने अपने ही पार्टी से सवाल किया कि हमें भूल जाओगे तो क्या होगा। सभा में मौजूद मुसलमानों से कहा, अब फरियाद करना छोड़ दें और अपनी यूनिटी और ताकत बढ़ाएं। आप लोग 11% के लिए हार्दिक के पीछे, नरेश के पीछे पीछे भागते थे, आप ये भूल गए कि ये लोग जो थे वो तो कांग्रेस की सरकार बनाते। और आप जगदीश भाई तो पहले से बोलते कि भाई जो हमारा है उसकी ताकत यूनाइट करके 120 तक बैठने की कोशिश करो और नए को जोड़ो। हमको भूल जाओगे तो क्या होगा, हमको प्रतिनिधित्व नहीं दोगे तो क्या होगा। डॉक्टर मुकुल सिन्हा ने सातों साल तीस्ता सितलवार ने पर याद करवा मांगू छू। न्यूज चैनल ने सांजनी 8 वागे ने डिबेट में जो शू चर्चा से नीचे शू पट्टी हमने मारी गई से मारा नाम साथे एनी कोई चिंता करया वगर कहू के ए महिलाएं गुजरात ना मजलूमों ने न्याय अपावा माटे जे संघर्ष करयो ए संघर्ष ने जाहिर मंच पर हूं सैल्यूट करू छू ने सलाम करू छू। और वहीं इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया था, वो भी बयान आपको हम सुनवाते हैं जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया आई थी। चोट पर देश का प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तान की तिजोरी पर सबसे पहलो अधिकार मायनो कांग्रेस नो प्रधानमंत्री दंका ने चौथ पर बोलो मेला एक बोलवा थी कितनो नुकसान थयो